जुनैद और नासिर हत्याकांड में एक महीना बीत जाने के बाद भी राजस्थान पुलिस केवल एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर पाई है, बाकी के 8 आरोपी अभी भी फरार हैं। भले ही अब ये मुद्दा मीडिया से गायब हो गया हो, मगर मेवात के लोगों के जहन में अभी भी इसको लेकर गुस्सा है और वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। बीते दिन नूह जिले के युवाओं ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नूह के जहटाना गांव से लेकर पुनाना तक रोस मार्च निकाला गया और साथ ही राजस्थान व हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन करने आए मेवातियों ने मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग को भी जोर शोर से उठाया और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मेवाती चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि अपने आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। SDM पुनाना को ज्ञापन देने के बाद मेवातियों ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, अब वो सुनाते हैं। शुरुआत गाँव जहटाना से की गई है और ये शुरुआत मेवात के युवाओं के द्वारा की गई है। जिस तरीके से इस घटना को भुलाया जा रहा है, सरकारों द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मेवात की आवाम को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। और मैं हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार को चेतावनी देता हूँ, अगर मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ तो एक और विशाल धरना के लिए तैयार रहे एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हरियाणा पुलिस की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और साथियों, जिस तरीके से मेवात में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, कभी नासिर को मार दिया जाता है, कभी रकबर को मार दिया जाता है, कभी जुनैद को मार दिया जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। मेवात को पीड़ित परिवारों की फैक्ट्री बना दिया गया है। मेवात को पीड़ित परिवारों की फैक्ट्री बना दिया गया है। पूरे हरियाणा में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इस भाजपा सरकार का एंडालिया है। और वो मोदी जिसका नारा था सबका साथ सबका विकास, मैं उससे कहना चाहता हूँ, क्या नासिर और जुनैद तुम्हारे साथ नहीं है क्या? इस नारे में इंक्लूड नहीं है क्या? वो कहीं बाहर से है क्या? सर, हम प्रोटेस्ट इसलिए निकाला कि जो मामला है जुनैद और नासिर का, इसको इतना सप्रेस कर दिया है कि इसको कोई आवाज उठाने वाला दो चार ही बचे हैं। इस इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमने जहटाना टू पुनाना पैदल मार्च निकाला है और लोगों को अवेयरनेस के लिए। इसमें आपने देखा होगा कि जुनैद और नासिर की किस प्रकार से हत्या की गई, उस पर अभी तक सरकार द्वारा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। जो मोनू मानेसर आतंकवादी है, वो सरेआम घूम रहा है, उनका एक साथी गिरफ्तार हुआ है। जो भी कोई आवाज उठा रहा है, सरकार उसको दबा दे रही है। आप जायदा खान को देख लीजिए, वो वहां पे आवाज को दबाने में लगी हुई है। और इधर से BJP गवर्नमेंट, उधर से कांग्रेस, दोनों गवर्नमेंट दोनों की एक दूसरे के हाथ के अट्टे चट्टे हैं, कोई फर्क नहीं है। सेम इंसाफ किसी से नहीं मिल रहा है। तो इंसाफ के लिए हम लोगों को खुद को ही सड़क पर उतरना पड़ा है। हम जब तक सड़क पर नहीं, हमें तब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम तब तक सड़क पर ही रहेंगे और इंसाफ लेकर ही रहेंगे। इंसाफ की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस सरकार की गुंडागर्दी तानाशाही बहुत हो गई और अब ये चलने वाली नहीं है। अब जितना जुल्म हम पे किया जा रहा है, कहीं नहीं किया जा रहा। मेवात में मॉब लिंचिंग के इतने केसेस देख लिए आपने, जुनैद हत्याकांड और नासिर वारिस पहलू हत्याकांड, किसी पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये घटनाक्रम हुए हैं, ये आतंकवादी घटनाएं हुई है, इनमें सबको फांसी की सजा हो और इंसाफ की गुहार लगाते हैं, हमें इंसाफ मिले। हमारी सरकार से यही